दीदी, ये पश्चिम बंगाल आपकी और आपके भतीजे की जागीर नहीं है। दीदी दोबारा बोलता हूं मैं, दीदी दोबारा सुन लो, ये पश्चिम बंगाल आपकी और आपके भतीजे की जागीर नहीं है, ये मां भारती का एक अटूट अंश है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक मां गंगा ने जब किसी से भेद नहीं किया, तो दीदी आप कौन होती हो भेद करने वाली? आप दीदी, आप अपनी आंखों से अहंकार और वोट बैंक की पट्टी खोलोगी तो आपको भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन होंगे। इस भारत के अलग अलग रंगों को देखने की कोशिश करेगी तो शायद आपके अहंकार का चश्मा उतर जाएगा। भाइयों और बहनों, ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धरती है, ये मां काली और प्रभु राम को पूजने वालों की भूमि है। दुष्टों का संहार करने और मर्यादा में रहने की सीख इस बंगाल के कण कण में समाहित है। लेकिन दीदी ने यहां क्या हालत बना दिए हैं? जो दुष्ट है, जो घुसपैठिए हैं, जो तस्कर है, वो मौज में है, लेकिन जो काली के भक्त है, जो राम के भक्त है, वो डर डर करके जीने को मजबूर है। जय मां काली और जय श्री राम कहने पर से ही बंगाल के युवाओं को जेल में ठूसा जा रहा है। एक मजाक करने पर से ही बेटियों को जेल में भेजा जा रहा है। साथियों, ये अब नहीं चलेगा।